फॉर न्यूज कराची। सिंध के नए आईजी सैयद कलीम इमाम ने मजार कायद पर हाजिरी दी। कहते हैं जब तक थानों की हालत अच्छी नहीं हो जाती किसी भी अफसर के घर का काम नहीं होगा। कोई भी अफसर दो से ज्यादा मुलाजिम भी नहीं रख सकेगा। यकीन दिलाता हूं कि अपनी सलाहियतों में इजाफा करके बेहतरीन खिदमात करेंगे। आईजी सिंध डॉक्टर सैयद कलीम इमाम ने बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिना के मजार पर हाजिरी दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध का कहना था कि कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। सेफ सिटी मैं समझता हूँ बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सेफ सिटी जितने बड़े दुनिया के शहर हैं, चाहे पेरिस है, लंदन है, वाशिंगटन है, लाहौर में आप देख लें, एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जो कि आप टेक्नोलॉजी के बेस पे लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम और सिटी को मैनेज करते हैं। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सैयद कलीम इमाम ने कहा कि जब तक थानों की हालत अच्छी नहीं हो जाती उस वक्त तक किसी अफसर के घर की तज़ीन और आराइश नहीं होगी। हमने बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि किसी सरकारी बिल्डिंग, आईजी के घर, आईजी के ऑफिस या किसी अफसरान के दफ्तर की कोई रिपेयर नहीं होगी जब तक थाना ठीक नहीं होगा। हमारा सारा फोकस है, सारा पैसा थाने पे जाए, क्योंकि थाना हमारा बेसिक यूनिट है, वहीं सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, वहीं दुश्वारियां होती हैं, वहीं कारकर्दगी का मिजाज का इशू होता है। आईजी सिंध सैयद कलीम इमाम ने बताया कि मिसिंग पर्सन बड़े हों या बच्चे हमारे लिए चैलेंज है। मिसिंग पर्सन एक बहुत बड़ा इशू है और मिसिंग चिल्ड्रन खासतौर पर, और मैं अभी पंजाब से आया हूँ तो चाइल्ड अब्यूज़ हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये क्राइम है जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है सोशो फैक्टर्स की वजह से, और बड़ा अलमनाक है कि ये क्राइम एग्जिस्ट करता है। आईजी सिंध ने इस बात का एतराफ किया कि पुलिस के दो ही बड़े मसाइल हैं, पहला बुरा रवैया और दूसरा कारकर्दगी। उन्होंने कहा कि यकीन दिलाता हूँ अपनी सलाहियतों में इजाफा करके अवाम की बेहतरीन खिदमत करेंगे। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ समीर कुरैशी, मेट्रो वन न्यूज़ कराची।